I have been with the people, whether I was in the electoral fray or not, for a long time now. आप ये जो देख रहे हैं जोश खरोश लोगों का, ये ऐसे ही नहीं है. We have been in touch, we have been working with each other in tandem for a long time. अब ये है कि यहाँ के लोगों का मोहब्बत और प्यार खुद से दर्शाता है कि हमारे यहाँ पे जो आपसी रिलेशन है बहुत अच्छा है. अगर आप देखें अभी तक एनडीए की जितने भी अलायंसेस हुए हैं, अगर वो अलायंसेस ठीक है तो इस अलायंस से उनको क्यों तकलीफ होती है. मेरे ख्याल में जो उन्होंने अपना प्लान, अपना खाता, अपना ये जो चेस बोर्ड सजाया था, दे फाइंड इट गेटिंग डिफीटेड इस अलायंस से. और ये अलायंस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते, ये कोई आम अलायंस नहीं है. ये यहाँ के लोगों का तशख्स बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के जो शनाख्त मसल कर दी है उसको बचाने के लिए, आइंदा नस्लों को बचाने के लिए, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स दिए हैं उन सबको रिस्टोर करने के लिए ये अलायंस है. और ये कोई इलेक्टोरल बेनिफिट्स के वास्ते नहीं है, ये हुकूमत साजी के वास्ते नहीं है. दो हुकूमत जो है वो एक पेडेस्टल होती है अपने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए. बट दिस वेरी इलेक्शन एज ए नोबल कॉज, वो नोबल कॉज ये है कि बीजेपी को यहाँ से कैसे बाहर रखा जाए. ये एक सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ कश्मीर में ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स का सिलसिला जो है ये 2014 से ही आ रहा है. व्हाट दे वांट इज कि अगर कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है सो फ्रेगमेंट देयर वोट्स. और उस फ्रेगमेंटेशन के तहत आपको गली मोहल्लों में कैंडिडेट्स दिखने को मिलेंगे. लेकिन यहाँ के लोगों को ये सोचना है, ये समझना है कि अगर इस वक्त उन्होंने आज के जो इलेक्टोरल जो कंटोर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो नॉर्मल इलेक्शन के नहीं है. अगर आज लोगों से कोई कोताही हुई, कोई गलती हुई, आइंदा 100 साल का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं.